नमस्कार। अब हम गाउसियन यादृच्छिक चरों की अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक्स गाउसियन यादृच्छिक चर जिसके मापदंड म्यू और सिग्मा हैं, इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा एवं इसका घनत्व फलन इस प्रकार दिया जाता है। यह हमने कल देख लिया था। अब आगे, अब यदि हमने इसका मध्यमान ज्ञात करना है तब यह फिर से करने पर अर्थात इसे मैं आई एक बोल देता हूँ, इसे आई दो। अब आई एक बराबर है सिग्मा टी बटे दो पाई, ये। अब मैं सिग्मा को बाहर ले जा सकता हूँ, टी दो पाई दो अर्थात यह एक विषम फलन है। अर्थात यह एक विषम फलन है। विषम फलन का अर्थ है कि यह समाकलन शून्य होगा। इसी प्रकार यदि हम आई दो को देखें, आई दो बराबर है अर्थात अर्थात मापदंड म्यू एक्स का मध्यमान है। एक गौसियन यादृच्छिक चर के संदर्भ में उसका मापदंड म्यू एक्स का मध्यमान दर्शाता है। फलस्वरूप यदि हम मापदंड म्यू को
शून्य कर दें तब, यदि हम मापदंड म्यू को शून्य कर दें तब, अर्थात प्रसरण एक्स निकालना सरल हो जाएगा। अब हम इस आधार पर प्रसरण एक्स ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। इसके एवं यह बराबर है एक्स वर्ग फिर से अब भागों में समाकलन करते हुए हम दिखा सकते हैं, यह है यह हम दिखा चुके हैं कि शून्य है, यह हम दिखा चुके हैं कि एक है, अर्थात सिग्मा वर्ग, अर्थात मापदंड सिग्मा इस गाउसियन यादृच्छिक चर का मानक विकलन अथवा स्टैंडर्ड डेविएशन दर्शाता है। यहां पर हम मानक विकलन को भी परिभाषित कर देते हैं। किसी भी यादृच्छिक चर का मानक विकलन अथवा स्टैंडर्ड डेविएशन उसके प्रसरण का वर्गमूल एवं मानक विकलन अथवा स्टैंडर्ड डेविएशन एक प्रकार से यह दर्शाता है कि वह यादृच्छिक चर अपने मध्यमान से कितना विकलित अथवा कितना दूर जा सकता है, जो कि प्रसरण का ही एक रूप है। हम मुख्यतः प्रसरण की परिभाषा सरल होने के कारण हम प्रसरण का प्रयोग अधिक करते हैं, मानक विकलन का प्रयोग इतना नहीं किया जाता। किंतु एक गौसियन यादृच्छिक चर जिसका मापदंड सिग्मा है, वहाँ उसका प्रसरण सिग्मा वर्ग होगा। अब यदि हम एक गौसियन यादृच्छिक चर x की बात करें तो हम x को इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, x बंटित है n म्यू सिग्मा स्क्वायर, जहां म्यू उसका मध्यमान है एवं सिग्मा वर्ग उसका प्रसरण है। अब गौसियन यादृच्छिक चर x का बंटन, गौसियन यादृच्छिक चर x का बंटन,
यह बताने के पूर्व अथवा गौसियन आर्किटेक्चर एक्स के बंटन पर जाने के पूर्व हम एक फलन परिभाषित करते हैं क्यू एक्स। क्यू एक्स परिभाषित इस प्रकार किया जाता है, एक्स से अनंत माइनस यू वर्ग बटे दो डी यू। यह हम यह देख सकते हैं कि एक मध्यमान शून्य एवं प्रसरण एक वाले गौसियन यादृच्छिक चर का बंटन फलन है। अब किसी भी गौसियन यादृच्छिक चर के लिए उसका बंटन फलन हम इस प्रकार लिख सकते हैं। सरल है। हम यह बताना चाहेंगे अथवा यहां पर यह जानना आवश्यक है कि क्यू एक्स को गणितीय रूप में ज्ञात करना संभव नहीं है एवं यह केवल संख्यात्मक रूप में ही संगणित किया जा एवं यह केवल संख्यात्मक रूप में ही संगणित किया जा सकता है। इंटरनेट पर आप क्यू एक्स के लिए विभिन्न तालिकाएं क्यू फंक्शन टेबल्स गूगल में क्यू फंक्शन टेबल्स डालकर आप इस क्यू फलन के लिए क्यू फंक्शन के लिए विभिन्न तालिकाएं प्राप्त कर सकते हैं जिनमें x के अलग अलग मानों के लिए qx के मान दिए गए हैं। डे मॉर्वे लैपलेस प्रमेय यदि हम एक ऐसे बर्नौली परीक्षण को जिसमें सफलता की p है n बार दोहराते हैं एवं इन दोहरावों में प्राप्त सफलता की संख्याओं को SN द्वारा तब किसी भी b से कम a एवं n अनंत की ओर जाने के लिए प्रायिकता a कम है कम अथवा बराबर है यह सरल शब्दों में यह कह रहा है कि
जैसे जैसे एन अनंत की ओर जा रहा है, द्विपदीय यादृच्छिक चर गाउसियन यादृच्छिक चर के समान समान व्यवहार करेगा। जैसे जैसे एन अनंत की ओर जा रहा है, गाउसियन यादृच्छिक चर द्विपदीय यादृच्छिक चर गाउसियन यादृच्छिक चर की तरह व्यवहार करेगा। हम गाउसियन यादृच्छिक चरों पर अपनी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में हम घातीय यादृच्छिक चर को देखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। हमने इस व्याख्यान में गौसीय यादृच्छिक चरों के विषय में चर्चा की एवं गौसीय यादृच्छिक चरों के मध्यमान के विषय में चर्चा की, किंतु हम पहले यह देख चुके हैं कि मध्यमान किस प्रकार किसी भी यादृच्छिक चर का मध्यमान अथवा मीन हम उसके प्रायिकता घनत्व फलन के रूप में इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। यह मध्यमान की परिभाषा थी। एवं हमने यह भी देखा है किस प्रकार मध्यमान गणितीय औसत से जुड़ा है। हमने मध्यमान और औसत के बीच का संबंध निश्चित रूप से देखा है। अब हम इसी संबंध के विषय में कुछ और चर्चा करते हैं। हमने छोटी कक्षाओं में हमने यह जाना है कि मध्यमान किसी भी हमारे पास कोई भी डेटा हो उसे समझने के लिए मध्यमान एक रूप है। हम उसके अलावा मध्यमान के अलावा हमारे पास अन्य भी कुछ ऐसे मान हैं जिनका प्रयोग करके हम उस डेटा को समझ सकते हैं अथवा उन संख्याओं को समझ सकते हैं। ऐसा ही एक मान अथवा ऐसी ही एक वस्तु है मध्यिका। मध्यिका अथवा मीडियन वह संख्या है जो किन्हीं भी यादृच्छिक संख्याओं अथवा किन्हीं भी यादृच्छिक रूप से जनित संख्याओं, यदि हमारे पास संख्याएं हैं अथवा यादृच्छिक रूप से जनित अथवा कोई भी डेटा के रूप में जनित संख्याएं हैं, तो उन संख्याओं को क्रमानुसार लिखने पर जो संख्या उस क्रम के मध्य में आती है वह उस क्रम का अथवा वह उस यादृच्छिक क्रम की मध्यिका अथवा मीडियन। इसी प्रकार हम एक अन्य वस्तु को परिभाषित करते हैं जो कि है बहुलक। यादृच्छिक संख्याओं के किसी क्रम में के क्रम में जिस संख्या की सबसे अधिक हो वह संख्या उस क्रम का बहुलक अथवा मोड वह संख्या उस क्रम का बहुलक अथवा मोड कहलाती है। यह हमने बहुलक मध्यमान मध्यिका एवं बहुलक छोटी कक्षाओं में भी पढ़े हुए हैं। अब प्रश्न यह है कि यहाँ पर मध्यिका एवं बहुलक को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता जानने के लिए हम गौसीय यादृच्छिक चर का प्रायिकता घनत्व फलन एक बार फिर देखते हैं। एक गौसीय यादृच्छिक चर के लिए जिसका मध्यमान म्यू एवं प्रसरण सिग्मा वर्ग है, हम लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा वर्ग ई वर्ग 2 सिग्मा वर्ग। यह अब
यहाँ पर म्यू एवं सिग्मा वर्ग। अब हमें यह देखना है कि किस प्रकार यह आवश्यक हमारे लिए है। अब यदि हम इसे बनाएं तो यह एक्स, सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि इसका मध्यमान म्यू है, यह हमने सिद्ध किया है कि इसका मध्यमान म्यू है। अब यदि हम इसके बहुलक की बात करें तो हम यह देखेंगे कि किसी भी घनत्व फलन का बहुलक वही होगा जिस पर उस घनत्व फलन द्वारा धारण किया गया मान अधिकतम होगा। संतत यादृच्छिक चरों के संदर्भ में हम बहुलक को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी संतत यादृच्छिक चर का बहुलक वही है जिस पर उस संतत यादृच्छिक चर का मान अधिकतम है, अथवा यदि हम वह संतत यादृच्छिक चर जनित करेंगे किसी प्रकार तो जिस बिंदु पर वह संतत यादृच्छिक चर अधिकतम बार आएगा वह उसका बहुलक होगा जो बिंदु उसमें अधिकतम बार जनित होगा, क्योंकि हमारे पास अनगिनत बिंदु हैं, हमारे पास अगणनीय रूप से असंख्य बिंदु हैं। तो बहुलक की परिभाषा संतत यादृच्छिक चर के संदर्भ में यह हो जाती है कि वह बिंदु जिस पर कि उस या संतत यादृच्छिक चर का घनत्व फलन अधिकतम मान धारण करे। तो यहाँ पर इस गौसी यादृच्छिक चर के लिए हमारे लिए यह देखना सरल है कि एक्स बराबर म्यू पर एफ एक्स एक्स अधिकतम होगा, एक्स बराबर म्यू पर एफ एक्स एक्स अधिकतम होगा, अर्थात एक्स बराबर म्यू पर एक्स बराबर म्यू अथवा म्यू एक्स का बहुलक अथवा मोड है। इसी प्रकार हम यह देख सकते हैं कि यदि हम माइनस अनंत से अनंत की ओर जाएं, तब एक्स बराबर म्यू अथवा यदि हम यह देखें कि हम एक्स द्वारा धारण किए गए सभी मानों को क्रमानुसार लगाएं, तब सदैव एक्स बराबर म्यू इस क्रम के मध्य में रहेगा। अथवा हम यह कह सकते हैं कि एक गौसी यादृच्छिक चर के लिए उसकी मध्यिका म्यू है, अर्थात अंततः हम यह कह सकते हैं कि एक गौसीय यादृच्छिक चर के लिए उसका मध्यमान मध्यिका एवं बहुलक x बराबर म्यू पर ही होते हैं। एक गौसियन यादृच्छिक चर के लिए उसका मध्यमान मध्यिका एवं बहुलक x बराबर म्यू पर होते हैं। धन्यवाद।